नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी करा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जो कि हैं दाखिले से और दाखिले के नतीजे निकलने से संबंधित। तो मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। यह नोटिफिकेशन 28 अप्रैल को जारी किया गया था, आज से 3-4 दिन पहले जारी किया गया था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह नोटिफिकेशन सभी रीजनल ऑफिसेस को भेज दिया गया है। इसमें लिखा गया है, रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ क्लास 1 एंड अदर क्लासेस इन ऑल केंद्रीय विद्यालय, मतलब कि कक्षा पहली की जो डेट ऑफ एडमिशन है, यानी कि जब ड्रॉ निकलेगा और उसके बाद जो दाखिले होंगे उसकी तारीखों को बढ़ाना, और भी कक्षाओं के जो दाखिले हैं उनकी तारीखों को बढ़ाना। रेफरेंस स्केरी सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ COVID-19 पेंडेमिक केसेस। महोदय, वर्तमान COVID-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा कर्मचारियों और अभिभावकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते केंद्रीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में प्रवेश की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित संशोधन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पहला, डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 1 एडमिशन टू बी डन आफ्टर 30th April डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि कक्षा पहली का जो रिजल्ट है वो 30th April के बाद निकलेगा। और मुझे नहीं लगता कि कक्षा पहली का एडमिशन 30th April के बाद मई के महीने में निकलेगा। मुझे लगता है सीधे सीधे या जून के आखिरी में या फिर जुलाई के महीने तक चला गया है, यह मामला टल गया है। जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मई में भी, जो मई का महीना है इसमें भी रिजल्ट निकलेगा, या फिर तो जून के आखिरी में आएगा या फिर यह रिजल्ट जुलाई के महीने में आएगा। क्योंकि जब एडमिशन्स होते हैं, ड्रॉ होते हैं, तो स्कूल में स्टाफ बुलाना पड़ता है, एडमिशन की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो टीचर्स को पूरी करनी होती हैं। कन्फ्यूजन की स्टेट्स में कई बार ऑनलाइन आप डिटेल्स भेज रहे हैं, ईमेल के माध्यम से पेरेंट्स जानकारी भेज रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की स्थिति में पेरेंट्स स्कूल आकर भी पूछते हैं। और भारत के बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो उन्होंने पिछले साल भी पेरेंट्स को कहा था कि हमें आके डॉक्यूमेंट बाय हैंड दे जाइए। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ, ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें पेरेंट्स स्कूल आते हैं और टीचर्स को स्कूल आना पड़ता है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि 30th April के बाद रिजल्ट निकलेगा। और मुझे लगता नहीं मई में निकलेगा, मुझे ये भी नहीं लगता कि जून में निकलेगा, या फिर तो जून के आखिरी में, या फिर यह रिजल्ट सीधा अब जुलाई में निकलेगा। दूसरा, DCs to decide on the display of admission list of class 2 to 9 as per the exigencies of the state. यह डिसाइड किया जाएगा कि किस प्रकार की स्थिति है स्टेट में, उसके मद्देनज़र एडमिशन लिस्ट लगाई जाएंगी कक्षा दूसरी से कक्षा नौवीं की। बहुत से ऐसे राज्य हैं अभी जिनमें केंद्रीय विद्यालय का कक्षा दूसरी से नौवीं का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, हालांकि कई राज्यों में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तीसरा, क्लास 9th एडमिशन टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी कैटेगरी एडमिशन टेस्ट विल नॉट बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन इन क्लास 9th। क्लास 9th का जो एंट्रेंस टेस्ट है वह कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि मैम क्लास 9th का इस साल का एंट्रेंस टेस्ट होगा, और मैं कहती थी मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले साल भी क्लास 9th में एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन नहीं चाहता कि बच्चे स्कूल आए, वह पेपर दे और किसी भी प्रकार के संक्रमण के खतरे में आए। तो पिछले साल भी नहीं हुआ था, और इस साल तो संक्रमण बहुत 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 ज़्यादा फैल गया है, इन्फेक्शन इतनी फैल गई है, घर घर तक पहुँच गई है। तो इस साल तो सवाल ही नहीं उठता कि केंद्रीय विद्यालय संगठन स्टूडेंट्स को स्कूल बुलाए एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। इसीलिए क्लास 9th में भी एडमिशन जो होगा वह प्रायोरिटी कैटेगरी की बेस पे होगा, यानी कि जिस कैटेगरी में सीट खाली है उस कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा, और एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स का। तो तीन महत्वपूर्ण जानकारियाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन के नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपके लिए आज लाई हूँ। पहला, क्लास 1 का जो रिजल्ट है 30th April के बाद आएगा, क्योंकि मई का महीना चल रहा है, मुझे लगता नहीं मई के महीने में भी आएगा, क्योंकि स्थिति आप सभी के सामने है कोरोना की। मुझे लगता है जून आखिरी में या जुलाई में चला जाएगा। हालांकि इससे स्टूडेंट्स का नुकसान होगा, कक्षा पहली के स्टूडेंट्स का जिन्होंने एडमिशन लेना है, क्योंकि एडमिशन लेट होगा तो उनकी पढ़ाई लेट शुरू होगी, पढ़ाई लेट शुरू होगी तो कम समय में ज़्यादा सिलेबस बच्चों को करना पड़ेगा, इससे बच्चों पर बोझ डलेगा, टीचर्स पर बोझ डलेगा। लेकिन कोरोना की स्थिति में कुछ कर पाना में सभी को बहुत ही परेशानी होगी, आप सभी जानते हैं ऐसी स्थिति है, सभी के हाथ बंधे हुए हैं और कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन के खुद हाथ बंधे हुए हैं। दूसरा,
जिस स्टेट में जैसी स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए कक्षा दूसरी से नौवीं का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और बहुत से राज्यों में डिक्लेयर कर दिया गया है, कई राज्यों में नहीं डिक्लेयर किया गया है। उस राज्य में जो परिस्थितियाँ कोविड से उत्पन्न जो हुई हैं वे बेहतर होंगी तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और कक्षा नौवीं में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन से आपको लाभ होगा और आप सभी के घर वाले, आप सभी के दोस्त, प्रियजन, सगे संबंधी सुरक्षित रहे, भगवान उनको लंबी आयु दे, वह निरोगी रहे। मैं यही कामना करती हूँ, मैं यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि समय बहुत ख़राब चल रहा है और रोज़ाना किसी ना किसी के बारे में कोई ना कोई बुरी खबर सुन रही हूँ। और बस ऊपर वाले से ये रोज़ाना प्रार्थना करती हूँ कि अब ये समय ख़त्म हो और वह पहले वाली ज़िंदगी लौट आए जिसमें हम बिना मास्क के यहाँ वहाँ घूम सकते थे और बेरोक टोक अपने प्रियजनों से उनके मुश्किलों के समय उनके साथ बैठ सकते थे, मिल सकते थे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।